सभी ताली बजाते हुए आनंद लेंगे। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय हो। श्री राधे। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी ताली बजाते हुए आनंद लेंगे। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे
वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम चकर्तारो वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति स्वासिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरं श्रीगुरुचरणसरोजरज निजमनमुकुरसुधावरनो रघुवर विमल जस जोदायक फलचा मंदोंसी तुलसी के चरण जिनकीनो जग का कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगटो शब्द जहां जतु नंत सकते रनंताश्च जीवा जतो निर्गुण प्रमेय गुणस्ते नंत सकते रनंताश्च जीवा जतो निर्गुण प्रमेय गुणस्ते सर्वं त्रिधा भेद भिन्नं सदातं गणेशं नमामु भजामः यथाभाति सर्वं त्रिधा भेद भिन्नं सदातं गणेशं नमामु भजामः यतश्च विरासि जगत सर्वमेतत् तथाप्यासमोवेश्वगोवेश्वगोप्ता यतश्च विराशि जगत् सर्वमेतत् तथाप्यासमोवेश्वगोवेश्वगोप्ता तथेन्द्रादयो देवसङ्गामनुष्य सदा तं गणेशं नमामो भजामः तथेन्द्रादयो देवसङ्गामनुष्य सदा तं गणेशं नमामो भजामः यतो वेदवाचो विकुण्ठामनोभि सदा नेति नेति यत्राभिरन्ति यतो वेदवाचो विकुण्ठामनोभि सदा नेति नेति यत्राभिरन्ति परब्रह्मरूपं चिदानन्दभूतं सदा तं गणेशं नमामो भजामः परब्रह्मरूपं चिदानन्दभूतं सदा तं गणेशं नमामो भजामः नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोहितपामभागं नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोहितपामभागं पाणौ महासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथं पाणो महासायक चारुचापं नमामि रामं
रघुवंशनाथम मनोजमम मारुत तुल्य वेगम जितेन्द्रियम बोधिमतां वरिष्ठम मनोजमम मारुत तुल्य वेगम जितेन्द्रियम बोधिमतां वरिष्ठम जगयूत मुख्यम श्रीरामदूतम शरणम प्रपदे मातामजं वा जगयूत मुख्यम श्रीरामदूतम शरणम प्रपदे श्रीरामदूतम शरणम प्रपदे श्रीरामदूतम शरणम प्रपदे सकल मंगल मूल निकंदन मूल निकंदन आओ अब गाए हम राम कथा जी सुनकर मिट जाए सारी व्यथा जी आओ अब गाए हम राम कथा जी सुनकर मिट जाए सारी पवन तनय सन तन हितकारी हृदय विराजत अवध बिहारी अवध बिहारी आओ अब गाए हम राम कथा जी सुनकर मिट जाए सारी कथा जी आओ अब गाए हम राम कथा जी सुनकर मिट जाए सारी कथा मंदौ रामल खन बैदेही जे तुलसी के परम स्नेही परम स्नेही आओ अब गाए नम कथा जी सुनकर मिट जाए सारी कथा जी आओ अब गाए नम कथा जी सुनकर मिट जाए सारी कथा जी सुनकर मिट जाए सारी कथा जी सुनकर मिट जाए सारी कथा जी बोले श्री राजा रामचंद्र सरकार की जय श्री धाम अयोध्या की जय श्री भोले बाबा की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय श्री तुलसीदास महाराज की जय सब संतन की जय सब भक्तन की जय राष्ट्रकवि दिनकर की जन्मभूमि सिमरिया गांव की जय यज्ञ भगवान की जय फिजी से आए हुए हमारे श्री पंडित अग्निवेश जी महाराज की जय 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 श्री सीताराम प्रेम से बोलिए परम पुष्टि व्यास जी महाराज की जय
महज संयोग है या ईश्वर की असीम कृपा है कि जिस बेगूसराय जिले में आज से लगभग 29 साल पहले 29 years पहले मैं एक पुलिस पदाधिकारी के रूप में पुलिस कप्तान के रूप में आया था, आज 29 वर्षों के बाद उसी जिले में भगवान की महिमा गाने के लिए मुझे आपने बुलाया है, ये अवसर दिया है। इसके लिए मैं यज्ञ समिति को, इसके सारे अधिकारियों को, पदाधिकारियों को, सिमरिया गांव के सभी भाइयों को, बहनों को, बेगूसराय के सभी निवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और अपने ठाकुर को क्या धन्यवाद दूं जिन्होंने मुझे उनकी कथा गाने का यह अवसर दिया है। उनका तो रोम रोम पर अनंत जन्मों से कर्ज है, हम ही पर नहीं, हम सब जीवों पर। उनके प्रति मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। बेगूसराय की धरती से मैं बोल रहा हूं और बेगूसराय के बाहर भी जहां अवसर मिलता है वहां बोलता हूं। बेगूसराय वीरों की भूमि है, बलिदानियों की भूमि है, त्यागियों की भूमि है, तपस्वियों की भूमि है, ऋषियों की भूमि है, महर्षियों की भूमि है, संस्कारी लोगों की भूमि है, बुद्धिजीवियों की भूमि है, राष्ट्र कवि दिनकर की जन्मभूमि है। इस धरती को मैं प्रणाम करता हूं जिस दिनकर जी के नाम से आज पूरे देश ही नहीं, जो भी हिंदी प्रेमी है, पूरे विश्व में इस गांव को जाना जाता है, आदर्श गांव सिमरिया। मैं यहां की धरती को, यहां की मिट्टी को प्रणाम करता हूं, अपने माथे से लगाता हूं। और ऐसे तो पुलिस अधिकारी के रूप में मुझे बिहार के कई जिलों में सेवा करने का अवसर मिला है, डीआईजी के रूप में भी, आईजी के रूप में भी, और डीजीपी रूप में, बिहार के डीजीपी के रूप में पूरे प्रदेश की सेवा का अवसर मिला है। जहां गया सब जगह की जनता का भरपूर प्यार और आशीर्वाद मिला है। लेकिन मैं सार्वजनिक रूप से इस मंच से ये बात कहना चाहूंगा कि प्यार का जो समंदर बेगूसराय जिला वासियों के दिल में लहराता है उसकी दुनिया में मिसाल मिलना बिल्कुल मुश्किल है। 29-30 वर्षों के बाद कौन किसको याद आता है। मैं आज बेगूसराय की चौथी पीढ़ी से मिला, चौथी पीढ़ी चल रही है। जब मैं आया था तो मैं बिल्कुल नौजवान था, चतरा के बाद मेरा पहला जिला था। उस समय के हमारे प्रिय प्रेम जी बेटे, बहुत सुरेश केडिया जी आए हुए हैं, बहुत सारे लोग, किसका किसका नाम लूं, बहुतों का नाम लूंगा तो बहुत छूट जाएंगे, और जो छूट जाएंगे वो कहेंगे कि हमारा नाम नहीं लिया। बहुत सारे यहाँ पर लोग हैं जिन्होंने उस समय को देखा था। बेगूसराय जिला उस समय पूरे बिहार के नक्शे पर बहुत खूंखार जिले के रूप में जाना जाता था। और मुझे जब भेजा गया तो मुझे लगा महाराज की बहुत ही खूंखार जगह पर मैं जा रहा हूं, पता नहीं मेरा क्या होगा। लेकिन यहां आने के बाद हमने देखा कि बाहर से जितना खूंखार इसको लोग समझते हैं, यहां के लोगों का दिल तो मक्खन से भी ज्यादा कोमल और उससे भी ज्यादा मुलायम है। मुझे ऐसा लगता है बेगूसराय में हर जात हर समाज के लोगों में, मुझे लगता है बेगूसराय में घर घर मेरी रिश्तेदारी है। मैं किसी के घर जाकर ठहर सकता हूं, किसी के घर जाऊंगा तो इज्जत से रोटी खा सकता हूं, किसी पर गुस्सा हो सकता हूं, किसी को डांट सकता हूं, किसी को परामर्श दे सकता हूं, और जरूरत पड़े तो किसी के लिए, बेगूसराय के आदमी के लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूं। मेरे अंदर इतना प्यार है,
आज उस बेगूसराय की धरती पर मुझे भगवान का महात्म्य, उनकी लीला, उनके गुण, उनके धाम, उनके भक्त, भक्तों की महिमा गाने का यह अवसर प्राप्त हुआ है, तो इसे मैं इस अपना सौभाग्य ही समझता हूं। एक और सौभाग्य की बहुत बड़ी बात हो गई। कभी कभी जीवन में बहुत बड़ी बात हो जाती है तो उसका महत्व हम नहीं समझते। एक बड़ी बात यह हो गई कि एक छोटा सा खूबसूरत देश, जिसको आप कह सकते हैं मिनी हिंदुस्तान है, इस देश का नाम है फिजी। हमारी संस्कृति तो बाहर बहुत देशों में फल फूल रही है, मॉरिशस में भी, सुरनाम में भी, और कई देशों में। उसमें से एक देश है फिजी। फिजी बहुत ही खूबसूरत छोटा सा देश है, क्षेत्रफल में बहुत बड़ा, आबादी में बहुत छोटा। और आपको आश्चर्य होगा जानकर के कि घर घर में राम कथा वहां गाई जाती है और सुनी जाती है, और पता नहीं कितने सैकड़ों राम कथा सिखाने वाले विद्यालय वहां चलते हैं। और पूरे देश में जितने विद्यालय चलते हैं जहां राम की दासत सिखाई जाती है, उसके राष्ट्रीय प्रमुख और राष्ट्रीय फिजी के राष्ट्रीय राम कथावाचक पंडित अग्निवेश जी महाराज हम लोगों के बीच में कृपा करके यहां से इतनी दूरी तय करके दो दिन आने में लगते हैं और पधारे हुए हैं। इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। आज पहला दिन था, कुछ अव्यवस्था हुई, समय का अनुशासन नहीं रहा। कल से इनको आप सुनेंगे, इनकी इच्छा पर निर्भर करता है कितने दिन हम लोगों को ये समय दे पाएंगे, ये तय नहीं है। लेकिन हम लोगों का बहुत बड़ा सौभाग्य है, इसलिए मैं चाहता हूं कि फिजी के राष्ट्रीय कथावाचक और राम भक्त पंडित अग्निवेश जी के नाम पर एक बार जोरदार तालियों से इनका राष्ट्रकवि दिनकर की धरती पर स्वागत हो, ताकि ये याद रखें कि हम बेगूसराय गए थे और दिनकर की जन्मभूमि में गए। उनके साथ भी आए हैं श्री राकेश प्रसाद जी, उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन है। और फिजी से ही महाराज जी के दो बच्चे भी आए हैं जो यहाँ बाईं तरफ बैठते हैं, जो म्यूजिक में संगत करते हैं, राम कथा भी गाते हैं। इन बालकों का भी बहुत बहुत अभिनंदन है, उनके नाम पर भी तालियां। और देखिए, मैं कहूंगा यहाँ के प्रबंधकों के, आज जो विलंब हुआ वो अच्छा ही हुआ, उसका मुझे लाभ मिल गया। लाभ ये मिल गया कि मैं महाराज जी को पकड़ करके अपनी कथा कहां सुना पाता। अब मेरे बाद इनको बोलना है, इसलिए मजबूरी में भी सही इनको मेरी कथा सुनने का और मुझे सुनाने का सौभाग्य प्राप्त होगा। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं भगवान की महिमा गाऊं, और कोई फिजी का राम भक्त जिसके रोम रोम में भारतीय संस्कृति बसती है, भारत की आत्मा बसती है, वो मुख्य श्रोता होकर के मंच पर विराजमान, तो ये मेरे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। तो महाराज जी हमारे यहां बैठे हुए हैं, आइए हम लोग कथा में प्रवेश करते हैं। समय बहुत निकल गया है, संक्षेप में आज तो केवल कथा में प्रवेश होगा, कथा कल से प्रारंभ करेंगे। पहले दिन तो कथा की महिमा गाई जाती है कि ये रामचरितमानस है क्या, इसका क्या महत्व है, कथा क्यों सुननी चाहिए, कथा सुनने से क्या होता है, इसके क्या लाभ हैं। क्योंकि जब तक हम लाभ नहीं समझेंगे तब तक हम किसी चीज का महत्व नहीं समझेंगे। तो अगर एक बार किसी चीज का महत्व समझ गए तो फिर उससे प्रीति भी हो जाती है। अब देखिए, इतने आदमी बैठे हैं, इसमें कहीं से गवर्नर साहब चुपके से आके बैठ जाए तो आपको पता ना हो कि ये गवर्नर साहब हैं, तो आपको कोई उनकी परवाह नहीं है और कथा सुन रहे हो चुपचाप। और किसी ने आपके कान में कह दिया, ये बाईं तरफ जो विराजमान है कुर्सी पर, ये कोई मामूली व्यक्ति नहीं है, वो महामहिम राज्यपाल महोदय हैं,
तुरंत आपका ध्यान चला जाता है, उनके प्रति श्रद्धा और प्रेम का भाव उमड़ आता है। फिर उनको कहाँ उठाएं, कहाँ बैठाएं, कैसे स्वागत करें, उनका महत्व आपको समझ में आ जाता है। इसीलिए कथा कहने के पहले महाराज जी कथा का महत्व ये सुनाने का विधान है कि कथा का महत्व समझ जाएंगे तो इससे कथा में हमारी प्रीति हो जाएगी, फिर मन कथा में लगेगा, मन लगेगा तो उसका लाभ होगा। क्या लाभ होगा आगे कथा हम बताएंगे। आओ सुनाए आप कहानी, आओ सुनाए राम कहानी, है ब्रह्म भी जाए, है ब्रह्म भी जाए तुलसी की बानी, आओ सुनाए राम कहानी, आओ सुनाए राम कहानी, है ब्रह्म भी जाए, है ब्रह्म भी जाए तुलसी की बानी, आओ सुनाए राम कहानी, आओ सुनाए राम कहानी, आओ सुनाए राम कहानी। आज बहुत गंभीर गंभीर बातें कहूंगा और अच्छा है कि गंभीर श्रोता भी बैठे हो। ये कथा ही मेरे लिए पूजा है। जब मैं व्यास मंच पर होता हूं तो भगवान की कृपा से ही बोल पाता, और कोई भी जब व्यासपीठ होता है तो बिना उनकी कृपा के कैसे बोले। देखो जी, रामचरितमानस जो तुलसीदास जी ने लिखा है ये चित्त शोधन का विज्ञान है, ये चित्त शुद्धि का टूल है। भाई चित्त शुद्धि का टूल मतलब क्या? चित्त शुद्ध है क्या? हां, चित्त शुद्ध है, चित्त में अशुद्धि है। चित्त माने अंतःकरण, जैसे मन बुद्धि चित्त अहंकार, इसको दर्शन की भाषा में कहा जाता है अंतःकरण चतुष्टय। इस अंतःकरण चतुष्टय में कई बीमारियां लग गई। अच्छा बताओ जी, हमें अगर पता चल जाए कि कोई भयंकर बीमारी है, भगवान न करे किसी को पता चले उसको कैंसर है, क्या करता है? दौड़ेगा डॉक्टर क्या? यहां से लेकर बॉम्बे से लेकर दिल्ली तक दुनिया में जहां जिसकी जो क्षमता है, घर बेच देगा, खेत जगह जमीन सोना गहना आभूषण सब किसी तरह से प्राण बच जाए। देह के प्रति इतनी ममता है, देहात्म बुद्धि इसी को कहते हैं। लेकिन ये तो हमारा जो व्यक्तित्व है ये बाहरी व्यक्तित्व है, ये देह जो है, अब देह का क्या है, कोई गोरा है कोई काला है, कोई लंबा है कोई छोटा है, कोई मोटा है कोई पतला है, ये हमारी बाह्य पर्सनालिटी है, आउटर पर्सनालिटी है, बाह्य व्यक्तित्व है। और उसके अंदर हमारा असली व्यक्तित्व क्या है? हमारा अंतःकरण चतुष्टय, हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा चित्त अहंकार। तो बाहरी जो पर्सनालिटी है अपने कर्म के आधार पर मिली है, भगवान ने जो दिया है इसमें बहुत ज्यादा परिवर्तन संभव नहीं है। प्रेम जी, चाहे फेयर एंड लवली लगाइए, चाहे कोई ब्यूटी पार्लर में जाइए, जितना भी खर्च कीजिए, अफ्रीकन आदमी अंग्रेज की तरह गोरा नहीं हो सकता। और किसी भी जत्न से कोई अंग्रेज आदमी, चाहे हम अफ्रीकन की तरह काला हो जाए तो भी नहीं हो सकता। कोई 5 फीट का आदमी कोई जतन कर ले वो 7 फीट का नहीं हो सकता। 7 फीट का आदमी कोई जतन कर ले तो 4 फीट का नहीं हो सकता।
तो ये बाह्य व्यक्तित्व में बहुत कम परिवर्तन की संभावना है, लेकिन जो हमारा अंतः व्यक्तित्व है, मतलब अंतःकरण चतुष्टय है, मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है, इस अंतःकरण में भारी परिवर्तन संभव है, भारी परिवर्तन संभव है। मतलब आदमी जीव से शिव हो सकता है, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए, ब्रह्म हो सकता है। तो इतनी अनंत संभावना है अपने अंतः व्यक्तित्व में उत्कर्ष लाने की। तो उस अंतः व्यक्तित्व में उत्कर्ष लाने का टूल है, ये साधन है श्री रामचरितमानस। ये विज्ञान प्रकाशित किया श्री गोस्वामी तुलसीदास ने कि इस ग्रंथ के सहारे तुम अपने अंतःकरण में इतना उत्कर्ष ला सकते हो, इतनी ऊंचाई पर जा सकते हो जहां तुम ब्रह्म समान हो जाओगे। ब्रह्म भले न हो लेकिन जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई, तो उस ऊंचाई को प्राप्त किया जा सकता है। तो शरीर बीमार तो अंधन सोना चांदी गहना खेत जगह जमीन सब बेच करके और शरीर की रक्षा करने में लगा देते हैं, लेकिन हमारा अंतःकरण बीमार है मैया, हमारा मन बीमार है, हमें बीमारी का पता भी नहीं। पता चल जाए तो उसकी चिकित्सा के लिए कोई यत्न भी नहीं करता, किसी को देख करके, किसी का उत्कर्ष देख करके जब ईर्ष्या हो तो समझो कि मन बीमार है, किसी का जस सुनकर के मन में ईर्ष्या का भाव है समझो मन बीमार है। अनंत कामनाएं, अनंत वासनाएं, अनंत इच्छाएं मन में लहरें मार रही हो तो मन बीमार है। अकारण क्रोध आता मन बीमार है। ऐश्वर्य का अहंकार है, हम सुंदर हैं, धन है, रुपया है, कुटी है, बंगला है, कार है, मोटर है, पावर है, प्रतिष्ठा है, इसका अहंकार है तो मन बीमार है। किसी की संपत्ति देख करके, किसी का उत्कर्ष देख करके उसको हड़पने की इच्छा होती है तो मन बीमार है। ये मन की बीमारी के लक्षण है। अगर दूसरे में कोई शत्रु नजर आता है तो मन बीमार है। और तुलसीदास जी ने कहा कि अगर किसी के अंदर देखो और हमारे सीता राम जी अगर नजर नहीं आते हो तब भी तुम्हारा मन बीमार है। ये भी अगर सबके अंदर ब्रह्म नहीं दिखेगा, सीताराम जी नहीं देखेंगे, तो जात के झगड़े होंगे, धर्म के झगड़े होंगे, पंथ के झगड़े होंगे, भाषा के झगड़े होंगे, जीवन में केवल तनाव रहेगा जो आजकल है। तो चेतना में उत्कर्ष लाने का ये विज्ञान है जो प्रकाशित किया गोस्वामी तुलसीदास। तो चित्त में उत्कर्ष लाना बड़ा जरूरी है, क्योंकि चित्त में जब तक उत्कर्ष नहीं होगा, चेतना में उत्कर्ष नहीं होगा, तब तक जिस ब्रह्म को हम सच्चिदानंद घन कहते हैं, सच्चिदानंद कहते हैं भगवान को, सतघन चितघन आनंद घन, तो जब तक चित्त में सत्व का उत्कर्ष नहीं होगा तब तक सच्चिदानंद घन जो भगवान है वो सतघन चितघन और आनंद घन, तो उनके उस स्वरूप की अनुभूति होगी ही नहीं। देखो आग में दो गुण हैं, एक है दाहकता महाराज जी, एक है प्रकाशकता। मतलब अग्नि जलेगी तो प्रकाश होगा, अग्नि जलेगी तो उसमें दाहकता होगी, जलाने की क्षमता होगी। लेकिन अग्नि के ये दोनों गुण केवल लकड़ी में प्रकट होंगे, लकड़ी जलेगी दाहकता भी होगी, प्रकाशकता, दोनों अग्नि के गुण प्रकट हो जाएंगे। लेकिन पानी में अगर अग्नि प्रकट होगी तो दाहकता रहेगी लेकिन प्रकाशकता का गुण प्रकट नहीं होगा,
खोलते हुए पानी में हाथ तो जलेगा लेकिन घर में रोशनी नहीं होगी। वैसे ही जब मन में, चित्त में, अंतःकरण में तमोगुण और रजोगुण का उत्कर्ष रहेगा तो सच्चिदानंद भगवान के स्वरूप की अनुभूति नहीं होगी। और हमारा अंतिम लक्ष्य क्या है? हमारा अंतिम लक्ष्य ही है उस ब्रह्म को जानना, सच्चिदानंद को जानना। तो हमारा अंतिम लक्ष्य अगर उसको ही जानना है, दो बातें हो सकती हैं यहां से, या तो कीड़े मकोड़े की तरह हम पैदा हुए, खाते पीते बच्चा पैदा करें और मर जाए, जो हम सब लोग कर ही रहे हैं, इसके लिए तो कुछ करने की जरूरत नहीं, जैसे करते हैं वैसे करते करते बच्चे हुए, जवान हुए, शादी हुई, बच्चा पैदा किए, चोरी किए, बेईमानी किए, मेहनत किए, कमाई किए, कुछ धन संग्रह किए, कुछ नाम प्रतिष्ठा भी कमा लिए और फिर एक दिन कीड़े की तरह मर गए, शरीर जल गया, खत्म हो गया। ऐसे तो सब कर ही रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि इसी शरीर से हम उस परम तत्व को जान लें, उस ब्रह्म विद्या को जान लें, उस सच्चिदानंद भगवान को जान लें, तब तो हमें अपनी चित्त शुद्धि करनी ही पड़ेगी। और चित्त शुद्धि का उपाय क्या है? बहुत सारे उपाय बताए, मैं संकेत करूंगा। सबसे सरल उपाय, सत्संगत करो, भगवान की कथा सुनो, सहज ही सब हो जाता है। बाकी उपाय हैं, साधन बहुत हैं चित्त शुद्धि के, लेकिन बहुत कठिन है उस रास्ते से जाना, पार नहीं लगेगा। तो कथा सुनो, लेकिन देखो कथा भी सबको अच्छी नहीं लगती मैया। नाच हो, नौटंकी हो, ऑर्केस्ट्रा हो, हीरो आ जाए, हीरोइन आ जाए, आपको ज्यादा मेहनत नहीं करना है, इतनी भीड़ उमड़ जाएगी, विधि व्यवस्था का संकट पैदा हो जाएगा। लेकिन कथा के मंडप में सबको आ नहीं सकता। जिसकी चेतना में तमोगुण का प्राबल्य है वो तो कथा मंडप में आ ही नहीं सकता। अगर चित्त में तमोगुण का उत्कर्ष है, यही बगल में बैठ करके जुआ खेलेगा, शराब पिएगा, गांजा पिएगा, ताश खेलेगा, गाली गलौज करेगा, झगड़ा करेगा, तरह तरह के प्रपंच करेगा, लेकिन कथा मंडप में कोई तमोगुणी आदमी नहीं आ सकता। रजोगुणी आदमी कदाचित आ जाए, सुन भी ले, लेकिन कथा उसको प्रिय नहीं, मजा नहीं आएगा, रस नहीं आएगा। तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर संकेत किया है, अगर किसी का ध्यान नहीं गया हो तो मैं काफी में ध्यान दिलाता हूं, बड़ा ही सुंदर संकेत किया कि अगर चेतना में तमोगुण का उत्कर्ष है। महाराज देखो, अगर साहित्य का रसिक भी है, साहित्य का रसिक भले भक्त ना हो तो भी रामचरितमानस में कुछ रस ले लेगा। साहित्य के 9 रस हैं, इसमें सारे रस हैं, उसमें थोड़ा आनंद वो ले लेगा। और अगर राम जी का रसिक भी नहीं है, भगवान का भक्त भी नहीं है, कविता का रसिक भी नहीं है और भगवान का भक्त भी नहीं है, तो उसके लिए तो कथा एक विनोद का विषय है। अरे अब कथा कहां, चलो भैया कथा, अरे भैया कहां कथा होता, कहां फुर्सत। इसीलिए कहा तुलसीदास, तमोगुणी आदमी के लिए कथा नहीं, क्योंकि तमोगुण के उत्कर्ष में चित्त का स्वरूप होता है मूढ़ चित्त, और मूढ़ चित्त में ज्ञान का प्रवेश ही नहीं है। मारा कविता रसिक न राम पद ने हू, कविता रसिक न राम पद ने हू, कविता रसिक न राम पद ने सुखद हास रस एहू, तिनका सुखद हास रस एहू, कवि दर्शि कर राम पद देहू, कवि दर्शि कर राम पद देहू, तिनका सुखद हास रस एहू। Okay.
रस हो कवि तरस कर राम। तमोगुण का उत्कर्ष है तो चित्त का स्वरूप है मूढ़ चित्त में ज्ञान का प्रवेश ही नहीं है। और चेतना में रजोगुण का उत्कर्ष है, रजोगुण बढ़ा हुआ है तो कथा सुनेगा लेकिन फीकी लगेगी, उसमें रस नहीं आए। प्रभु पद प्रीति न समुझिनी की, प्रभु पद प्रीति न समुझिनी की, तिनहि कथा सुनी लागहि फीकी, तिनहि कथा सुनी लागहि फीकी, प्रभु पद प्रीति न समुझिनी की, प्रभु पद प्रीति न समुझिनी की, तिनहि कथा सुनी लागहि फीकी, तिनहि कथा सुनी लागहि फीकी, प्रभु पद प्रीति न समुझिनी की, प्रभु पद प्रीति न। तमोगुण चित्त में मूढ़ चित्त का स्वरूप होता है मूढ़ चित्त में ज्ञान का प्रवेश नहीं। रजोगुण के उत्कर्ष में चित्त का स्वरूप होता है विक्षिप्त चित्त, विक्षिप्त चित्त में ज्ञान का ठहराव नहीं। तो तुलसीदास से किसी ने पूछा, बाबा किसी को तो कक्षा अच्छी भी तो लगती होगी, जय सिया राम जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम जय जय सिया राम। किसी ने कहा, महाराज तुलसीदास जी से किसी को तो कथा अच्छी लगती होगी, बोले हाँ लगती है। किसको? बोले जिसके चित्त में सत्व का उत्कर्ष है, उसके चित्त का स्वरूप होता है निरुद्ध चित्त। तो जिसका चित्त निरुद्ध है, जिसके मन में भगवान के चरणों के प्रति अनुराग है, उसको ये कथा बहुत मधुर लगती है। अरे हरि हर पद रति मति न कुतर की, रामा हो रामा, हरि हर पद रति मति न कुतर की, रामा हो रामा, हरि हर पद रति मति न कुतर की, 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 तिनका मधुर कथा रघुवर की, रामा हो रामा, तिनका मधुर कथा रघुवर की, रामा हो रामा, तिनका मधुर कथा रघुवर की, रामा हो रामा। जिसके मति में कुतर्क नहीं है उसको अच्छी लगती है, हृदय में भगवान के चरणों पर रति है और मन में कुतर्क नहीं है, उसी को कथा अच्छी लगती है, सबको नहीं लगती। इसीलिए शास्त्रों को समझना बड़ा कठिन है। ये बहुत गंभीर बात बोल रहा हूं।
चेतना के जिस स्तर से शास्त्रों का प्रणयन हुआ है, चेतना के उसी स्तर से शास्त्रों को समझा जा सकता है। वेद पढ़कर कोई विद्वान हो सकता है महाराज? वेद का भाष्य पढ़कर के घंटों घंटों कोई प्रवचन दे सकता है महाराज? लेकिन वेद को समझना, चेतना में जो उत्कर्ष आएगा तभी वेद को समझ पाएंगे, ऐसे वेद को नहीं समझ सकते। महाराज एक बात बताता हूं विपिन जी, वेद की सारी ऋचाएं प्रत्यक्ष देवता हैं। वेद की सारी ऋचाओं का प्रत्यक्ष दर्शन हो सकता है, और ऋषियों ने उन ऋचाओं के दर्शन किए हैं, उन ऋचाओं के जिन ऋषियों ने दर्शन किए हैं उनके नाम भी दिए गए हैं। लेकिन आप पढ़कर के कोई ऋचा निकल जाइए, वेद के मंत्रों को ऋचा बोलते हैं, पढ़कर निकल जाइए, क्या फर्क पड़ता है? खूब रट लीजिए, पूरा वेद रट लीजिए, वेद मारतंड बन जाइए। बहुत लोग बन जाते हैं वेद मारतंड, व्याकरण मारतंड बन जाइए, लेकिन वेद को नहीं समझ सकते, बहुत मुश्किल है। क्योंकि चेतना के जिस ऊंचाई पर वेद हैं, जहां से वो प्रकाशित हैं, तो आपकी चेतना की वो ऊंचाई नहीं होगी तो वेद आपको समझ में आएगा ही नहीं। उपनिषद आपके समझ की चीज नहीं है, उपनिषद के मंत्र रट करके खूब तैयारी करके आप प्रवचन कर लीजिए, भाषण दे दीजिए, शास्त्रार्थ भी कर सकते हैं, लेकिन उपनिषद के मंत्र समझ में नहीं आएंगे, गीता का ज्ञान नहीं आएगा हमारा। प्रवचन देना अलग चीज है, उपनिषद क्या कहती है? नायम आत्मा प्रवचने न लभ्य न मेधया न बहुना सुतेन। आत्मा का ज्ञान, ब्रह्म विद्या का ज्ञान प्रवचन से नहीं हो सकता। अरे प्रवचन से होता तो भगवान स्वयं प्रवचन कर रहे हैं। महाराज श्री कृष्ण कौन है? साक्षात परम पिता परमेश्वर परम ब्रह्म। श्री कृष्ण जैसा प्रवचन करने वाला अश्रोता भी कोई साधारण जीव नहीं है, शुद्ध सतोगुण में परिनिष्ठित उच्च कोटि का साधक कौन है? अर्जुन। और पूरा प्रवचन किया नायम आत्मा प्रवचने बताया, नैनम छिदंति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः, पूरा मान लिया, जानता था कि ये भगवान है, बोल रहे हैं तो गलत नहीं बोलेंगे, लेकिन अनुभूति में अनुभव करके किसी चीज को जानना और सुन करके मानने में बड़ा फर्क है। इसीलिए विश्व रूप दर्शन दिखाना पड़ा, देख लो मैं कौन हूं, दिव्यम ददामि ते चक्षु, मैं दिव्य दृष्टि दे, देखो मैं कौन हूं, अब तुमको समझ में आएगा। तब वो गीता का जो विज्ञान ब्रह्म विद्या प्रकाशित किया भगवान ने, तब वो अर्जुन के चित्त में वो बात जमी। तो ये वेद की ऋचाएं हो, उपनिषद हो, गीता हो, पुराण हो, उसी तरह से रामचरित मानस को कोई तमोगुणी व्यक्ति कैसे समझेगा, कोई रजोगुणी व्यक्ति कैसे समझेगा? जिसकी चेतना में, जिसके चित्त में तमोगुण का रजोगुण का उत्कर्ष है, वो रामचरित मानस को समझेगा कैसे, बताओ? जब तक चेतना में सत्व का उत्कर्ष नहीं होगा तब तक तो अनर्थ करेगा वो, तब तो वही ढोल गंवार शुद्ध पर्सनालिटी पे जैसे आजकल विवाद हो रहा है। और बेचारे किसी का इसमें दोष नहीं है, उसकी कोई निंदा भी नहीं है, उसकी चेतना का, उसकी समझ का वही स्तर है, वहीं से वो देखता है, जो जहां से है वहीं से देखेगा, जिसकी दृष्टि जितनी है वही देखेगा। गिद्ध यहां से हजारों मील दूरी की चीज देख लेता है, हम आप नहीं देख सकते। तो चेतना में जब तमोगुण का उत्कर्ष है, रजोगुण का उत्कर्ष है, तो रामचरितमानस कैसे समझ में आएगा? इसकी चौपाई देखो, चेतना के एक विशेष स्तर पर शास्त्र अपना अर्थ स्वयं खोलते हैं। उनका भाष्य पढ़ने की जरूरत नहीं, उनका अर्थ पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। भक्ति से, साधना से जैसे जैसे चित्त में उत्कर्ष होगा, चेतना में उत्कर्ष होगा,
सत्व का उत्कर्ष बढ़ेगा तो शास्त्र अपना अर्थ स्वयं खोल देते हैं, आपको पता चलेगा कि इसका क्या अर्थ। तो महाराज ये रामचरित मानस हमारे चेतना में उत्कर्ष लाने का विज्ञान है। ऐसे वेदों ने तीन मार्ग बताए महाराज, प्रेम कर्म मार्ग बताया, ज्ञान मार्ग बताया, भक्ति मार्ग बताया। ये वेद के बताए हुए मार्ग है मार्ग। अब कर्म मार्ग का अनुसरण करो, निष्काम कर्म करो, क्या मिलेगा? सब कुछ करोगे। अगर भक्ति नहीं है, केवल कर्म करते जाओ, कर्म योग से आपको स्वर्ग मिलेगा। कर्म का फल तो स्वर्ग है। अब चेतना में उत्कर्ष लाने का एक रास्ता है, ज्ञान का रास्ता। महाराज ज्ञान का रास्ता इतना कठिन है, ये ज्ञान मार्ग कृपाण की धारा क्यों कहा गोस्वामी तुलसीदास? अरे ब्रह्म जिज्ञासा के जो चार साधन बताए वही नहीं जुटेंगे हमसे। विवेकिनो विरक्तस्य समाधि गुण शालिनः, ये बताया ज्ञान मार्ग में। यहां से शुरुआत होती है तब अथातो ब्रह्म जिज्ञासा होती है। ब्रह्म की जिज्ञासा ही उत्पन्न होगी चित्त शुद्धि के बाद महाराज, इतने साधन के बाद। कितने लोगों को फुर्सत है, धन कैसे कमाए, इसमें सारे आदमी को रुचि है। आज हर आदमी को रुचि। महाराज बताओ, आपको कह दें 108 माला भगवान का नाम रोज जपो, आपको नींद आने लगेगी, बीच में पैर में रीढ़ की हड्डी में दर्द होने लगेगा, और आपके नाम से कोई लॉटरी निकल जाए मैया, एक ट्रक रुपया अगर आपके घर में आ जाए, आपकी लॉटरी निकल जाए, तो पति बेटा बेटी धिया दामाद सब मिलकर के रात भर नोट गिनोगे, एक झपकी तक नहीं आएगी। तो जीवन में महत्वपूर्ण क्या है बोलो? भगवान का नाम या पैसा? पैसा महत्वपूर्ण है, चित्त में बैठा हुआ। तो ये ज्ञान मार्ग कहा इतना कठिन है महाराज कि ये ब्रह्म जिज्ञासा के चार साधन सधे तब तो ज्ञान मार्ग की यात्रा हो। विवेकिनो विरक्तस्य समाधि गुण शालिनः मुमुक्षो रेव ही ब्रह्म जिज्ञासा योग्यता मता। अभिवेकी किसको कहते हैं महाराज? जिसके अंदर दृढ़ता से चित्त में स्थापित हो गई कि संसार असत है, ब्रह्म ही सत्य है, केवल भगवान सत्य है, और हमें किसी भी असत चीज माने संसार से हमें कोई लेना देना नहीं, अनुरक्त नहीं होना है, केवल भगवान को पकड़ना है। दृढ़ता से ये बात हृदय में स्थापित हो जाए। सद असद विवेचनी बुद्धि को ही तो विवेक कहा जाता है, ये विवेक। अब इस तरह का विवेक हो जाए और विरक्त से विरक्ति उपरति ऐसा हो जाए, वैराग्य ऐसा हो जाए कि संपूर्ण पृथ्वी का ऐश्वर्य भी मिले तो तुच्छ लगे, स्वर्ग का सुख भी, स्वर्ग का लोभ भी जिसको आकर्षित न कर पाए, न लौकिक सुख में उसका अनुराग हो, न पारलौकिक सुख में उसका अनुराग हो, तो वो विरक्त माना जाएगा। फिर समाधि गुणशाली न सम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान। सम कहते हैं मन पर पूरा नियंत्रण, दम कहते हैं इंद्रियों पर पूरा नियंत्रण, तितिक्षा कहते हैं कि मान में सम्मान में, अनुकूल परिस्थिति में प्रतिकूल परिस्थिति में, हर स्थिति में चित्त का समत्व खंडित न हो, और श्रद्धा हो। तो ये सारी चीजें जब होती हैं तो और तीव्र मुमुक्षा हो, मुक्षत्व हो, मोक्ष पाने की तीव्र इच्छा हो, तो चेतना का स्तर जब इस ऊंचाई पर होता है जहां पूरा विवेक है, पूरी उपरति है, विरक्ति है, मन पर पूरा नियंत्रण है, इंद्रियों पर पूरा नियंत्रण है, तितिक्षा है, श्रद्धा है, समाधान है, तब वहां से ज्ञान मार्ग की यात्रा शुरू होती है। हम लोगों से ये होगी, कई जन्म लग जाएंगे हमको उस रास्ते पर, मतलब ज्ञान मार्ग में एडमिशन लेने के लिए। तो ये बड़ा कठिन है। तो महाराज वेद ने एक तीसरा रास्ता भी बताया कि तीसरा रास्ता है जो सरल है, वो क्या है?
भक्ति मार्ग, और इसी भक्ति मार्ग का प्रतिपादन किया है तुलसीदास जी ने, यही रास्ता बताया, यही है वो रास्ता। और भक्ति क्या है? भक्ति और कुछ नहीं है, सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, यही भक्ति है। एकदम सरल, बच्चे की तरह सरल हो जाए। अभी तो हमारे मन में छल है, प्रपंच है, दंभ है, झूठ है, फरेब है, धोखा है, यही सब मन के रोग हैं, यही सब मन की बीमारियां हैं। और भगवान ने कहा नहीं, बच्चा की तरह बन जाओ। अरे निर्मल मन जन सो मोहि पावा, रामा हो रामा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, रामा हो रामा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, रामा हो रामा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, रामा हो रामा। और देखिए एक और गहरी बात बताता हूं, सुन लीजिए। ये रामचरितमानस ब्रह्म विद्या है। ब्रह्म विद्या कैसे? देखो साधुओं में एक भाषा होती है, मैंने संतों सुनी है हमारा, कि दो संत मिलते हैं, साधु मिलते हैं आपस में, तो बात करते, भैया तेरी कितनी नौका भर गई? एक संत कहता है मेरी एक भर गई, दूसरी भर रहा हूं। कोई बोलता है दो भर गई, तीसरी भर रहा हूं। कोई बोला महाराज अभी एक भी नहीं भरी, एक ही में लगा हूं। एक नौका भरने का मतलब होता है महाराज जी 99,99,99,999 भगवान नाम जप, मतलब 1 अरब भगवान नाम जप हुआ तो एक नौका भरी। नौका माने नाम, 1 अरब। ऐसी ऐसी 9 नौका भरने के बाद 78 वर्ष की आयु में श्री हनुमान जी का दर्शन करने के बाद, श्री रामचंद्र जी का, सीता जी का, लक्ष्मण जी का दर्शन करने के बाद, श्री शिव जी का प्रत्यक्ष दर्शन करके उनका आदेश होने के बाद, श्री तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस का प्रकाशन किया। लेखन नहीं, प्रकाशन किया। लिख तो शिव जी ने दिया था और तुलसीदास ने खुद इसका संकेत किया काफी में, रज महेश निज मानस राखा, रामा हो रामा। रज महेश निज मानस राखा, रामा हो रामा। पाई सुसमय शिवासन भाखा, रामा हो रामा। पाई सुसमय शिवासन भाका, रामा हो रामा। शिव जी ने अपने मन में रामचरितमानस की रचना कर ली, उचित अवसर पर जगदम्बा को सुनाया और महाराज तुलसीदास जी को आदेश दिया तुम इसका प्रकाशन करो। तो तुलसीदास जी कहते हैं नौमी भौम बार मधुमासा, नौमी भौम बार मधुमासा, नौमी भौम बार मधुमासा, नौमी भौम बार मधुमासा। औधपुरी यह चरित प्रकाश, रामा हो रामा। रामा हो रामा। बोले
गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की। अच्छा एक बात और महाराज, ये श्री रामचरित मानस और गीता के बारे में एक संत सुना, मैं निवेदन कर रहा हूं। गीता भगवान के श्रीमुख से निकली एक साधक की शंका का समाधान करने के। ऐसे तो नर नारायण है, अर्जुन तो जन्मना सिद्ध हैं, भगवान के सखा हैं, मित्र हैं, भक्त हैं, भगवत प्राप्त भक्त हैं, तो सिद्ध ही हैं। अमलात्मा हैं, विमलात्मा हैं, महात्मा हैं, परमहंस हैं, लेकिन उनकी भूमिका जो गीता में दिखाई गई, जो अभिनय किया या करवाया गया लोक कल्याण के लिए, वो एक साधक रूप में अभिनय किया। देखो जी, महाभारत का बिगुल बज चुका, कौर और पांडवों की सेना आमने सामने आकर खड़ी हुई। ओ महाराज, बात क्या थी? लालच लोभ के चलते सब हुआ। अरे भाई, पांडवों का छल से जुआ में तुमने राज्य हड़प लिया, 12 साल का वनवास मांग लिया, 1 साल का ज्ञातवास मांग लिया, ये काट के आओ तो आधा दे देंगे। बेचारे धर्म को मानने वाले 12 वर्ष का अज्ञातवास काटा है, वनवास काटा है, 1 वर्ष का अज्ञातवास काटा है, आए तो बोले कि भाई अब आधा दे दो। दुर्योधन कहता है कि मैं दूंगा ही नहीं। अरे सब समझा के हार के कहा नहीं दूंगा, कैसे दोगे? अब युद्ध होगा, जो जीतेगा वो राज करेगा। अरे भगवान श्री कृष्ण दूत बन करके गए, और मैं आज इसलिए कह रहा हूं कि यही एक बेगूसराय की सिमरिया के धरती पर एक सपूत भारत मां का पैदा हुआ था, जिसने कहा, कृष्ण भगवान जाकर क्या कहा, जो न्याय अगर तो आधा दो, यदि उसमें भी कोई बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज का ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। दिनकर जिसकी धरती को प्रणाम करने हम यहां आए, नहीं दूंगा तो भाई के हक पर जब भाई हकमारी करता है, तो महाभारत का कि नींव पड़ जाता है। महाभारत का युद्ध होने वाला है, कौरवों की सेना, पांडवों की सेना आमने सामने। अर्जुन ने कहा, हमारे दिखाओ तो जरा कौन कौन लड़ने आए हैं, रथ को जरा आगे बढ़ाओ। भगवान ने रथ को बढ़ा, अरे सरकार ये कौन है? ये तो मेरे दादा, ये पितामह भीष्म है, ये कौन है? हमारे गुरु हैं द्रोण, जिन्होंने हमें धनुर्विद्या सिखाई है, ये हमारे फूफा जी, ये हमारे चाचा जी, ये हमारे मौसी जी, ये सब के सब मेरे सगे संबंधी, और ये 100 कौरव भी कौन पर आए हैं? अपने ही तो भाई है। महाराज हाथ कांपने लगा, रोंगटे खड़े हो गए, गांडीव हाथ से छूट गया, रथ पर बैठ गया। कहा, महाराज क्यों हमसे युद्ध करवा रहे हो आप? मुझे नहीं लड़ना। भगवान बोले, क्यों? बोले, महाराज किस लिए युद्ध हो रहा है? सत्ता के लिए, सिंहासन के लिए, ऐश्वर्य के लिए, राजगद्दी के लिए मुझे नहीं चाहिए। मैं अपने सगे संबंधियों को मार करके, पितामह को मार करके, अपने गुरु द्रोण को मार करके और ऐश्वर्य प्राप्त करके कौन सा सुख भोग लूंगा? भगवान हंसने लगे, अर्जुन ये तू जो बोल रहा है, तेरा ये वैराग्य नहीं है। बहुत युद्ध किए हैं तुमने और बहुतों को मारा है, कभी ऐसी ज्ञानपूर्ण बातें नहीं की, वैराग्य की बातें नहीं की। आज तेरे सगे संबंधी सामने मरने मारने की इच्छा से युद्ध में खड़े हैं, तो ये जो तू बोल रहा है तेरा मोह है, तेरा वैराग्य नहीं है। और तब भगवान ने कहा, तू मारेगा किसको? तू समझता क्या अपने आप को? तू मार देगा इनको? मार सकता है? अरे पंच भौतिक शरीर है ये, तो ऐसे भी मारो तो ना मारो तो, आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद इसको तो यहीं जल जाना है, मिट्टी में मिल जाना है। लेकिन ये जो हैं, तुम जानते हो कौन है महाराज? कहा, ये आत्मा है। अच्छा, हमारे वो क्या चीज होती है? अरे वो चीज होती है,
कि वो जब तक शरीर में रहती है तो आंख देखती है, कान सुनता है, वाणी बोलती है, हाथ पैर काम करते हैं, और जैसे निकल जाती है शरीर मिट्टी का हो जाता है, तो उसको मार नहीं सकता। पूरा आत्मा का ज्ञान का उपदेश दिया। तो महाराज कैसा नाटक हुआ, ये लगता नहीं है कि प्राथमिक स्तर के साधक की शंका है। आत्मा होती है नहीं होती है, आत्मा अजर होती है आत्मा अमर होती है, ये सब उपदेश करना पड़ा। तो साधक की शंका के निवारण के लिए भगवान के श्रीमुख से गीता जी निकली, लेकिन श्री रामचरितमानस की रचना शंकर जी ने की, तुलसीदास जी के माध्यम से इसका प्रकाशन किया, ये साधक की शंका के निवारण के लिए नहीं है, इसमें सिद्धों की शंकाओं का निराकरण के लिए टूल्स बताए गए। सिद्धों को भी भ्रम होता है, सिद्धों को भी भ्रम होता है, सिद्धों को भी शंका होती है। सती की शंका जो है वो अर्जुन की शंका से बिल्कुल अलग है। अर्जुन को तो यही नहीं पता आत्मा अजर है अमर है, आत्मा का नाश नहीं होता, तब तो बताना पड़ा भगवान को। सती को ये सब पता है, सती निर्गुण ब्रह्म की उपासिका है और सती जगदम्बा है। सती की शंका बड़े ऊंचे स्तर की है कि निर्गुण सगुण कैसे हो जाता, शिष्ट के कणकण में व्याप्त परमात्मा जो पग बिन चले सुने बिन काना कर बिन कर्म करे विधिनाना, ओ परमात्मा निर्गुण निराकार ब्रह्म वो सगुण साकार रूप हो करके और कौशल्या के गोद में खेलता है, वो यशोदा के गोद में खेलता है, ये निर्गुण सगुण कैसे हो जाता है, ये शंका है। क्या शंका है, ब्रह्म जो व्यापक विरज ज अकल अनीह अभेद, सो की देह धरि होई नर हो जाहि न जानत भेद, ये शंका है, ये बड़े ऊंचे स्तर की शंका है। तो इस तरह के सिद्धों की शंका, गुरुसुंदी जी को मोह हुआ है, नारद जी को मोह हुआ है, गरुण जी को मोह हुआ है, सती जी को मोह हुआ है, इंद्र को मोह हुआ है, दुर्वासा जैसे ऋषि को मोह हुआ है, महाराज सृष्टि के निर्माता ब्रह्मा जी को भी मोह हुआ, उनको भी शंका हुई। ब्रह्मा मोह की कहानी भागवत में है। अरे ये भगवान कैसे होगा, बच्चों का जूठा खाने वाला, ये भगवान नहीं हो सकता। और भगवान ने बताया कि मैं भगवान हूं। तो सिद्धों की शंका के निवारण के लिए श्री रामचरितमानस का प्रणयन श्री शिव जी के आदेश से गोस्वामी तुलसीदास महाराज ने किया। तुम्हारा गीता पचने का फल यह है कि तर्क बुद्धि का नाश होता है, हृदय में श्रद्धा और विश्वास का उदय होता है, और जब श्रद्धा और विश्वास का उदय होता है तब श्री रामचरितमानस में जीव का प्रवेश होता है। उसके पहले प्रवेश नहीं है। मान तुलसी जी ने कुछ छुपा करके नहीं लिखा, स्पष्ट लिखा, जे श्रद्धा संबल रहित और नहीं संतन कर तिन कह मानस अगमती और जिन्हें न प्रिय रघुना। स्पष्ट बोला कि जिसकी तर्क बुद्धि नहीं गई, जिसके अंदर श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, भगवान के चरणों में प्रीति नहीं है, तो फिर रामचरितमानस के पास मत आना। तिन कह मानस अगमती, तुम्हारी गति नहीं है, ये अगम है, पार में डूब जाओगे, फिर वही ढोल गवान शुद्ध प्रश्नादि करते रहोगे, समझ में नहीं आएगा, इसलिए यह मानस तुम्हारे लिए नहीं है। जब हृदय में श्रद्धा और विश्वास का उदय हो जाए, थोड़ा रजोगुण शांत हो जाए, थोड़ा तमोगुण शांत हो जाए, तब ये कथा में आनंद आता है। और देखिए शुरुआत कितनी सुंदर की तुलसीदास ने, आओ सुनाए राम कहानी, आओ सुनाए राम कहानी, आओ सुनाए राम कहानी, आओ सुनाए राम कहानी, है ब्रह्म विद्याए, है ब्रह्म विद्याए,
तुलसी की बानी आओ सुनाए राम कहानी आओ सुनाए राम कहानी है ब्रह्म भी जाए है ब्रह्म भी जाए तुलसी की बानी आओ सुनाए राम कहानी आओ सुनाए राम कहानी। बोलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की है। आइए मानस में थोड़ा प्रवेश करके कथा की महिमा गा करके आज की कथा को विश्राम देते हैं, महाराज जी को सुनेंगे थोड़ी देर। प्रारंभ किया वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसाम अपि मंगलानाम चकर्तारौ वंदे वाणी विनायक। वाणी और विनायक का स्मरण किया तुलसीदास जी ने सबसे पहले इनकी वंदना की, क्योंकि अब व्याख्या तो बहुत लंबी है, हम केवल संक्षेप में संकेत करेंगे। ये दोनों राम के भक्त हैं, दोनों राम उपासक हैं। और देखो किसी ने कहा महाराज ये वंदे वाणी विनायको, प्रथम पूज्य तो गणेश जी हैं, आपने कहा वंदे वाणी तब विनायको, तो आपने पहले सरस्वती की वंदना की तब गणेश जी का नाम लिया। बोला उन्होंने कि भैया ऐसा है कि सरस्वती की कृपा से ही यह ज्ञान होता है कि प्रथम पूज्य गणेश जी है, इसलिए मैंने पहले सरस्वती की वंदना की। वंदे वाणी विनायक। और कैसी भक्त हैं सरस्वती जी कि जैसे कथा सुनती हैं भक्ति हेत विधि भवन बिहाई। अरे भक्ति हेतु विधि भवन बिहाई रामा हो रामा। भक्ति हेतु विधि भवन बिहाई रामा हो रामा। सुमिरत सारद आवत जाई रामा हो रामा। सुमिरत सारद आवत जाई रामा हो मैया ना भगवान की कथा की इतनी रसिक हैं, भक्ति के लिए तो ब्रह्मा जी का घर छोड़ करके भाग जाती हैं कहीं कथा हो तो। और महाराज गणेश जी का क्या कहना, भगवान के नाम की महिमा उनसे ज्यादा कोई जानता ही नहीं है। नाम का प्रभाव जान करके ही वे प्रथम पूज्य हो गए। महिमा जा सुजान गन राऊ महिमा जा सुजान गन राऊ महिमा जा सुजान गन राऊ महिमा जा सुजान गन राऊ। प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ रामा हो रामा। प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ रामा हो रामा। इसके बाद भवानी शंकर की, जगदम्बा की वंदना की, शिव की वंदना की। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास याप्याम्बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थम ईश्वरम। सिद्ध लोग भी अपने अंदर स्थित उस परम ब्रह्म का अनुभव नहीं कर पाते जिन शिव जी और जगदम्बा की कृपा के बिना हम उनकी वंदना कर। देखो शिव जी विश्वास के प्रतीक और जगदम्बा जी पार्वती जी श्रद्धा के। तो श्रद्धा को तो ज्ञान के साधनों में आठ जो साधन बताए उसमें भी श्रद्धा है। श्रद्धा के बिना ज्ञान मार्ग में भी गति नहीं, और सच पूछो तो श्रद्धा के बिना कर्म मार्ग में भी गति नहीं, और भक्ति में तो बिना श्रद्धा के तो भक्ति हो ही नहीं सकती। ज्ञान मार्ग में भी उसकी जरूरत है, श्रद्धावान लभते ज्ञान। उसी तरह से ये श्रद्धा है क्या, गुरु वेदांत वाक्येषु दृढ़ विश्वास श्रद्धा। अपने सदगुरु भगवान की बातों में वचनों में और शास्त्रों के वचनों में
बिल्कुल दृढ़ विश्वास हो उसी का नाम श्रद्धा है। और बिना श्रद्धा के तो ब्रह्म विद्या में कोई गति ही नहीं मान। देखो मुझे स्मरण आ रहा है महाभारत एक बड़ा सुंदर श्लोक है, तर्को प्रतिष्ठा सुतय विभिन्न नई कर्म निर्जच प्रमाणम धर्मस्य तत्वम निहित गुहायाम महाजनो जे नगत। तर्क को खारिज किया मान, तर्क से ब्रह्म विद्या कैसे जान जाओ। तर्क कोई कहता है भगवान होता है, आपने देखा है, नहीं भाई नहीं देखा, नहीं देखा है तो हम नहीं मानते। आप कहो कि देखा है तो कहे कि देखा है तो दिखा दो। भाई जिस चीज को आपने नहीं देखा उसका अस्तित्व तो नहीं है। थोड़ा फूहड़ लगेगा लेकिन अगर मैं कहूं ऐसे प्रश्न करने वाले से कि भैया आपने अपने बाप को देखा है, दुनिया में है कोई कह दे अपने बाप को देखा है? अरे मां ने उंगली पकड़ करके जिसको बता दिया कि बेटा ये तुम्हारे पिता है तो पुत्र ने ये मान लिया, ये श्रद्धा है। पुत्र ने मान लिया कि मेरी मां ने बताया ये हमारे पिता हैं तो ये हमारे पिता हैं। पुत्र ने कभी ये प्रश्न अपनी मां से नहीं कहा कि मां मुझे प्रमाण दो कि यही मेरे पिता। कोई अपने पिता को देख नहीं सकता मारा, हम क्या कह रहे हैं आप समझ रहे हैं? लेकिन मां ने उंगली पकड़ करके बता दिया ये तुम्हारे पापा हैं, पिताजी हैं। बेटा जवान होने के बाद भी मां से प्रश्न नहीं करता कि प्रमाण दो कि यही मेरे पिता। मां ने कहा तो ब्रह्मवाक्य है, ये है श्रद्धा। मां बताओ भगवान को तुमने नहीं देखा तो भगवान नहीं है, जो देखो वही मानोगे। सांख्य दर्शन कहता है माई कई कारण से कोई चीज है लेकिन दिखाई नहीं दे। जैसे यहां करोड़ों करोड़ों बैक्टीरिया हवा में तैर रहे हैं मारा, लेकिन ये दिखाई दे रहे हैं आंख से, नहीं दे रहे हैं इसका मतलब नहीं है। ले आओ सूक्ष्मदर्शी यंत्र देखो दिखाई दे। दही में कीड़े दिखाई देते हैं, नहीं दिखाई देते हैं? एक बार सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देख लो, जीवन भर दही खाने की हिम्मत नहीं होगी। कीड़ों से ही बनी होती है दही। अति सामीप्यात, अति दूरात, अति दीर्घात, अति सूक्ष्मात, सांख्य दर्शन में कई कारण भी हैं कि किसी चीज की सत्ता का उसके अस्तित्व का बोध कई कारणों से नहीं हुई, अत्यंत दूर होने से। अमेरिका है लेकिन आंख से दिखाई नहीं पड़ता, इसका मतलब अमेरिका नहीं है। यहां से तो बेगूसराय भी दिखाई नहीं पड़ता तो बेगूसराय नहीं है, है जो गए हैं वो जानते हैं, हम भी गए हैं, हम भी वहीं से आते हैं। अमेरिका जो गया है वो जानता है कि अमेरिका है। कोई कहे कि नहीं अमेरिका दिखाओ तो मानेंगे कि अमेरिका है, बस उसका तरीका है कुछ पैसे जुटा लो, टिकट करा लो, पासपोर्ट बनवा लो, वीसा बनवा लो, फिर प्लेन में चढ़ना पड़ेगा, 16 घंटा की यात्रा करनी पड़ेगी तो अमेरिका देख लोगे। इतना करोगे तब तो अमेरिका देखोगे, भगवान को तुरंत देखना है। तर्क से कैसे होगा? अजय भैया ये वेदांत की गहरी गहरी बातें हैं, मैं सांख्य दर्शन में उलझ गया था। हम आप लोगों के लिए समझने के लिए कह रहे हैं। तर्क और बहस से ब्रह्म विद्या का ज्ञान कैसे होगा? जब प्रकृति के छोटे छोटे रहस्यों का ज्ञान नहीं होता। माई बताओ पहले मुर्गी हुई कि अंडा? बोलो पहले मुर्गी हुई कि अंडा? मुर्गी। अरे मुर्गी कहां से आई? अंडे से नहीं निकलेगी। अरे मुर्गी नहीं तो अंडा कहां से आया? अंडा नहीं तो मुर्गी कहां से आई? पहले कौन हुआ? ये आम का पेड़ है, बताओ पहले पेड़ हुआ कि फल हुआ? गुठली से ही तो वृक्ष होगा और वृक्ष से फल होगा। बताओ विज्ञान के पास इसका जवाब है कि पहले मुर्गी हुई कि पहले अंडा हुआ? विज्ञान के पास इस बात का जवाब है कि पहले फल हुआ या पहले वृक्ष हुआ? साइंस जहां जिस ऊंचाई पर पहुंचा है वो अध्यात्म की ABCD है, वहां से अध्यात्म की शुरुआत होती है। जहां साइंस का अंत होता है वहां से अध्यात्म की शुरुआत होती है। कोई नहीं बता सकता पहले मुर्गी हुई या अंडा, कोई नहीं बता सकता। विज्ञान का बाप करोड़ों वर्ष बीत जाएंगे और करोड़ों वैज्ञानिक आएंगे और जाएंगे, कोई नहीं बता सकता पहले मुर्गी हुई कि अंडा, पहले वृक्ष हुआ या फल। तो प्रकृति के इतने छोटे छोटे रहस्यों का उद्घाटन करने की क्षमता विज्ञान में नहीं है। ब्रह्म विद्या कह रहे हो तर्क से हम जान जाएंगे। ये तर्क का खंडन किया कि जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ।
अतिनक मानस अगमती जिन्हें प्रिय रघुना। श्रद्धा के प्रतीक हैं जगदम्बा, तो जगदम्बा का स्मरण किया है। विश्वास के प्रतीक हैं भोले विश्वनाथ बाबा, उनका स्मरण किया है उनकी। और फिर उद्भव स्थिति संहार कारणिम क्लेश हारणिम सर्वश्रेष्ठ करिम सीता तो हम राम वल्लभाम करके सीता मैया को बाबा प्रणाम करते हैं। देखो एक सीता कितने विशेषण दिए। ये उद्भव स्थिति संहार कारणी कहा कि ये सृष्टि जो है उसके सृजन उसके पालन और संहार की हेतु है। और कैसी है क्लेश हारिणी, क्लेश किसको कहते हैं, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश इसको कहते हैं क्लेश पांच हुए। अविद्या किसको कहते हैं, जो नहीं है उसके होने का आभास कराए वो अविद्या है। अस्मिता क्या है, मिथ्या भ्रम समझने की शक्ति समाप्त हो जाना इसको कहते हैं अस्मिता। उसी तरह राग क्या है, लौकिक सुख और उसके साधनों के प्रति जो अनुराग है अनुरक्ति है उसको कहते हैं राग। द्वेष क्या है, दुख या दुखजनक मृत्युओं के प्रति क्रोध की जो अनुभूति है उसको द्वेष कहते हैं। अभिनिवेश माने मृत्यु का भय, वो आप विद्वान हो तो मूर्ख हो तो पढ़े लिखे हो तो अनपढ़ हो तो केवल मनुष्य की बात नहीं है, ब्रह्मा की 84 लाख योनियों में कोई ऐसा जीव नहीं है जो अभिनिवेश से ग्रस्त, जिसको मृत्यु का भय नहीं। मृत्यु का भय, मच्छर भी मारना मरना नहीं चाहता, सांप बिच्छू भी प्राण बचाकर भागना चाहता है, अपने शरीर से इतना मुंह है वो मरना नहीं चाहता। तो ये जो रोग हैं, क्लेश हैं पांचों, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, ये सबका हरण करने वाली जो शक्ति है उसका नाम है सीता। ऐसा कह करके तुलसीदास जी सीता मैया को याद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये उद्भव स्थित संहार कारणी में सृष्टि के सृजन पालन और संहार की ये हेतु है और इसीलिए ये सर्वश्रेष्ठ करी है, सबका कल्याण करने वाली है, ऐसी सीता जी को प्रणाम। देखो सच्चिदानंद में जो सचित आनंद है, सत से ब्रह्म की सन्नदी शक्ति, इसी से ब्रह्म की ईश्वर की सत्ता सनातन है, नित्य है। किसी स्थिति में सृष्टि रहे तो न रहे तो उसकी सत्ता कभी भी प्रभावित नहीं होती। ब्रह्म को अपने अस्तित्व के लिए किसी आधार की जरूरत नहीं, लेकिन हमें सबको उसके आधार की जरूरत है। वो नहीं तो हमारा कोई अस्तित्व नहीं, लेकिन उसको हमारे इस पूरे सृष्टि में किसी आधार की जरूरत नहीं। तो जिसी इसी ये सीता जी ब्रह्म की भगवान की स्वरूप शक्ति हैं, और स्वरूप शक्ति के तीन रूप हैं, जैसा बताया सत से संदनी, इसी के कारण भगवान की सत्ता नित्य है, चित से चिदन, इसी से भगवान सर्वज्ञ हैं, और सबसे बड़ी शक्ति स्वरूप शक्ति है लाडनी शक्ति, इसको आह्लादनी शक्ति कहते हैं। इस लाडनी शक्ति का सार तत्व है प्रेम, और इसी प्रेम के अधीन भगवान रहते हैं, इसी प्रेम के अधीन भगवान रहते हैं। तो सीता जी का ये स्वरूप है, भक्तन के बानी हम गुलाम सबसे कहले बानी, भक्तन के बानी हम गुलाम सबसे कहले बानी, टीएन भक्तन के बानी हम गुलाम सबसे कहले बानी, भक्तन के बानी हम गुलाम सबसे कहले बानी, गीता में कहले बानी भगवत में कहले बानी, गीता में कहले बानी भगवत में कहले बानी, अर्जुन गोपी परमान सबसे 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 कहले बानी, भगतन के मानी हम गुलाम सबसे कहले बानी। इसी प्रेम के अधीन भगवान रहते हैं। ये राम कौन है,
थोड़ी चर्चा कर लें क्योंकि कल से तो राम जी की कथा हो। देखो ये राम जी के तीन रूप हैं, एक है ब्रह्म, एक है परमात्मा, विपिन जी ध्यान से सुनिए, और तीसरा भगवान। ये ब्रह्म है, परमात्मा और भगवान, ये तीनों में फर्क क्या है? तीनों राम जी हैं, लेकिन ब्रह्म में वो भी सतघन है, चितघन है, आनंद है, सच्चिदानंद है, लेकिन ब्रह्म में सारी शक्तियां प्रकट नहीं होती हैं, उसका कोई रूप नहीं है, निर्गुण है, निराकार है, निर्विशेष है, निरुपाधिक है, उसका कोई नाम नहीं, उसका कोई रूप नहीं, उसका कोई गुण नहीं, उसकी कोई लीला नहीं, उसका कोई दान नहीं, कैसे बचेगा, कैसे हमारे हृदय में जाएगा, कैसे हम उसका ध्यान करेंगे, बताओ। एक तो तमोगुण का इतना प्राबल्य है चित्त में, रजोगुण का इतना है प्राबल्य चित्त में, वो ब्रह्म हमारे किस काम का है? वो ब्रह्म कृपालु नहीं है, भक्त वत्सल नहीं है, वो दया नहीं करता, किसी पर कृपा नहीं करता, वो दृष्टा मात्र है, साक्षी मात्र है, हमारे कर्मों का हिसाब किताब करता है। बस भाई ऐसा ब्रह्म तो वेदांतियों को, ज्ञानियों को मुबारक हो, उनको अच्छा लगता है, एक ही है। इससे ज्यादा शक्ति प्रकट होती है परमात्मा में, उसका धाम भी है, उसका रूप भी है, वो सगुण साकार हो गया, चतुर्भुज रूप में वैकुंठ में रहता है, शंख चक्र गदा पद्म लेकर के चतुर्भुज रूप में बैठा, तो उसकी धाम तो है, वैकुंठ है, दिव्य ऐश्वर्य है वहां, और उसका रूप भी है, उसके गुण भी है, लेकिन उसकी कोई लीला नहीं है, उसकी कोई लीला नहीं है। उसकी कोई लीला नहीं है भाई, वो ब्रह्म तो बड़ा ऐश्वर्य युक्त है ना, कैसे हमारी पकड़ में हो भी, योगियों के लिए परमात्मा ठीक है। जो राम जी का तीसरा स्वरूप है भगवान, ये हमारे काम का है, क्योंकि वही ब्रह्म वही परमात्मा जब भक्तों के प्रेम में आकर के, कौशल्या के गोद में आकर के, बालक बन करके खेलता है, तो वो भगवान हमारे बहुत काम का है। वो यशोदा के गोद में खेलता है, वो कौशल्या के गोद में खेलता है, उसके रूप भी हैं, उसके लीला भी है, उसके गुण भी हैं, उसके धाम भी हैं, और उसके जन भी हैं, उसके भक्त भी हैं। तो उसके रूप का हम ध्यान कर सकते हैं, उसके लीला को हम गा सकते हैं, उसके धाम में जा सकते हैं, और उसके जनों को, भक्तों को पकड़ सकते हैं। ये भगवान कृपा वत्सल है, ये करुणा करने वाला है, ये दया करने वाला है। अगर रो करके पुकारो और बार बार शुद्ध हृदय से रोवो तो उससे रहा नहीं जाता। अरे इसने तो कितने कितनों को उद्धार किए, अरे इसने तो अजामिल को तार दिया, इसने गरिका को तार दिया, इसने एक से एक पापियों का उद्धार किया। अरे जो जीवन में नहीं, अनेक अनेक करोड़ों जन्मों में पाप के अलावा और कुछ भी न किया हो, केवल पाप ही किया हो, बड़ा से बड़ा दुराचारी हो, बड़ा से बड़ा पापात्मा हो, लेकिन वो भी जब उसके शरण में जाकर के कहता है कि हे गोविंद राख शरण, अब तो जीवन हार गए, तो हमारे जैसे अधम लोगों को भी उठा करके कृपा का हाथ रख देता है। ये भगवान हमारे काम का है। इसीलिए लोग कहते हैं भैया भाव पैदा करो, केवल भाव इतना ही हो कि अब हमने सब कुछ दे दिया, देख लिया दुनिया का तमाशा नजारा, हमसे ज्यादा ऐश्वर्य किसने देखा होगा? गांव का एक गरीब किसान का बेटा जिसके पांव में जूते नहीं होते थे, शरीर पर अच्छे कपड़े नहीं होते थे, गांव के स्कूल में जाता था, खटिया पर गुरुजी बैठते थे, बरगद के नीचे बैठ करके कका गगा पढ़ता था, जिसको बीए तक अंग्रेजी नहीं आती थी, हिंदी मैट्रिक तक बोलने नहीं आती थी, वैसे गरीब किसान का बेटा, और ईश्वर ने क्या दिया,
कि इसी बेगूसराय में कप्तान बनाकर भेजा, फिर बिहार प्रदेश का पुलिस विभाग का मुझे मुखिया बनाया, चीफ बनाया, इससे बड़ी कृपा क्या होगी। लेकिन वो ऐश्वर्य किस काम का जो तुम्हें सुख न दे, शांति न दे, जो तुम्हें भगवान से जोड़े नहीं। रजोगुण में भगवान से दूरी बढ़ जाती है। हमारे अंदर काम है, क्रोध है, लोभ है, मोद है, मात्सर्य है, सब विकार बड़ा मैया। हमें आज तय करना होगा कि हमें क्या करना है। यहां से तीन रास्ते जाते हैं, सुन लो। एक तो सीधा नरक में जाकर के जीव गिरता है और उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं। जो हम कर रहे हैं उतना काफी है। पूरा जीवन झूठ से, फरेब से, छल से, प्रपंच से भरा हुआ है। रोज एक दूसरे को ठग रहे हैं। अरे घर में बाहर छोड़ो, बेटा बाप को छल कर रहा है, बाप बेटा के साथ छल कर रहा है, पत्नी पति के साथ छल कर रही है, पति पत्नी के साथ छल कर रहा है, भाई भाई में छल है, कपट है, धोखा है, परिवार में, बाहर की बात छोड़ो। कुछ नहीं करना है, कुछ मत करो, सीधे नरक में जाकर हम सब गिरेंगे, मेरे साथ आप सब भी गिरो। कुछ करो, अच्छा काम, सतोगुणी काम करो, पूजा करो, पाठ करो, ध्यान करो, जप करो, दान करो, सेवा करो, तो स्वर्ग मिल जाएगा। लेकिन छीने पुण्य मर्त लोकम भी संति, फिर जिस दिन वो पुण्य आपका क्षय होगा, यहीं आकर दमाद से फिर यहीं गिरना। एक रास्ता नरक को जाता है, स्वर्ग को जाने के लिए तो बहुत मेहनत करना है, बहुत सारे पापों का प्रक्षालन करो, सतोगुण अर्जित करो, सेवा करो, दान करो, तप करो, तपस्या करो, बहुत कठिन करना, पता नहीं कितने जन्म करोगे तो स्वर्ग जाओगे, आसानी से नहीं मिलता। एक वो भी रास्ता है और एक तीसरा रास्ता है कि स्वर्ग में भी जाकर के यही गिरना है। माया का साम्राज्य तो स्वर्ग में भी है, वो तो ब्रह्मलोक तक है। तो भैया यही आकर के गिरना है, हम इतना मेहनत क्यों करें। तुलसीदास जी महाराज ने वेदों के बताए अनुसार सीधा और सरल रास्ता की बताया। किसनो? एकदम सरल रास्ता। काहे को स्वर्ग को जाना भैया? सीधे वैकुंठ की तैयारी करो, और उसके लिए करना क्या है? भक्ति, केवल शरणागति करो कि हम राम जी हमारे, हम राम जी के, राम जी हमारे, हम राम जी के, राम जी हमारे हैं, हम राम जी के, राम जी हमारे हैं, हम राम जी के, राम जी हमारे हैं, हम राम जी के, राम जी हमारे हैं। केवल शरणागति करने से। अच्छा भैया, अब आप लोगों के लायक कुछ नहीं बोलेंगे ना, तो कल से आइएगा ना। आज थोड़ा कठिन हुआ, कल से बड़ी आसान, एकदम सहज, आप लोगों के लिए केवल कथा होगी, कल से कोई वेदांत नहीं। अच्छा बताओ मैया, ईमानदारी से हाथ उठाना होगा और भाई लोगों से भी कहेंगे ईमानदारी से, आप लोगों में से कौन कौन नरक जाना चाहता है वो हाथ उठाए। एगो बुढ़िया माई उधर उठाई है, बहू से बहुत परेशान होगी लगता है, सोचती हूँ बहू घर ही को नरक बना दिए, नरक इससे बढ़िया ही होगा। हमारी ऐसा ना करो, नरक का वर्णन सुनोगी तो रुआ खड़ा हो जाएगा, बहुत बहुत खराब होता है। नरकों का वर्णन जब परीक्षित जी को सुनाया सुखदेव जी ने, तो परीक्षित जैसे राजा का कलेजा भी हिल गया। महाराज कोई बचने का उपाय बताओ, और कोई नरक जाना चाहता तो बताओ भाई, कोई नहीं। अच्छा, ईमानदारी से हाथ उठाइए, वैकुंठ कौन कौन जानता जाना चाहता? बोले से राजा रामचंद्र की। इतने लोग वैकुंठ, मैंने सब वैकुंठ जाना चाहते। तो आज हम लोग देखो पुराना रिजर्वेशन कैंसिल करा देंगे, हमारा रिजर्वेशन कंफर्म है। माई सुन, नरक का रिजर्वेशन पक्का कंफर्म है।
काम क्रोध मोद मद मत्सर ये सब कहां का टिकट है महाराज जी? नरक का। हम सब लोगों का सुरेश भाई नरक का रिजर्वेशन है। गहरी चिंता में पड़ गए कि भाई मेरा कैसे कैंसिल होगा। हम बताते हैं कैसे कैंसिल। हम सबका रिजर्वेशन नरक का पक्का कंफर्म है। आज सिमरिया की भूमि पर गंगा मैया के किनारे शपथ लेकर के हम लोग आज संकल्प लेंगे कि हम नरक का रिजर्वेशन अपना कैंसिल कराएंगे और वैकुंठ का पक्का रिजर्वेशन कराएंगे। बोले राजा रामचंद्र की। नरक में है नहीं जाना, हमें वैकुंठ जाना है। नरक में है नहीं जाना, हमें वैकुंठ जाना है। नरक में है नहीं जाना, हमें वैकुंठ जाना है। नरक में है नहीं जाना, हमें वैकुंठ जाना है। नरक में है नहीं जाना, हमें वैकुंठ जाना है। नरक में है नहीं जाना, हमें वैकुंठ जाना है। भजन में मन नहीं लगता, भजन में मन नहीं लगता, भजन में मन लगाना है। भजन में मन नहीं लगता, भजन में मन लगाना है। नरक में है नहीं जाना, हमें वैकुंठ जाना है। नरक में है नहीं जाना, हमें वैकुंठ जाना है। नरक में है नहीं जाना, हमें वैकुंठ जाना है। माला उठा लो बस, हे गोविंद राग शरण हम तो जीवन हारे। हम नहीं कहते किसी को कि घर छोड़ दो, बिजनेस छोड़ दो, नौकरी छोड़ दो, व्यापार छोड़ दो। नहीं, कर्मों का कर्ता मन है। जो करना है करते रहिए गृहस्थी का काम। एक ही शर्त है, मन राखहु जहां कृपा निधाना। भक्ति की एक ही शर्त है कि मन राखहु जहां कृपा निधाना। बस हमेशा सुबह शाम यही है मैया। रिजर्वेशन ऐसे ही नरक का कैंसिल हो जाएगा भजन करते करते। सास मैया है, अब बहू आ गई बहुत कड़े पानी की। आजकल की बहुएं होती हैं, आपने कुछ कहा उसने आपका मुंह नोच लिया। अब तुम भी उसका मुंह नोचोगी तो झोटा झोटी होगा कि नहीं महाभारत घर में? तो मुंह नोचना नहीं है। अगर बहू कुछ कड़ा बोल भी दे, तुम्हारा मुंह भी नोच ले, झोंटा भी पकड़ ले, बस यही गीत गाने लगना कि तू जा नरक में, हमको नरक में नहीं जाना है। नरक में है नहीं जाना, हमें वैकुंठ जाना है। नरक में है। पड़ोसी बहुत झगड़ालू है, बिना मतलब का झगड़ा करती रहते। किस दिन चढ़ गई झगड़ा करने के लिए, तुरंत यही एक लाइन गा देना, तुम झगड़ा मत करना, गाना। जब वो जाए वो गाली देना, गाली भी गजब गजब माताएं देती हैं भैया। तो गाली देने लगे, आप गाना गाने लगिए क्या? नरक में है नहीं जाना, हमें वैकुंठ जाना है। नरक में है नहीं जाना, हमें वैकुंठ जाना है। ऐसे थोड़ा थोड़ा प्रयास करने से जीवन में परिवर्तन आ जाता है। तुलसीदास ने आगे गुरु की बहुत महिमा का गान किया। और सच तो ये है, अच्छा एक बात और कहता हूं, बहुत लोग कहते हैं महाराज सच्चा गुरु कैसे मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा। जब कथा सुनने से, साधन करने से, समर्पण करने से, रोने से
भगवान के सामने रोने से आर्तनाद करने से वो पिघलते हैं तो खुद गुरु तत्व बन करके मनुष्य के रूप में प्रकट हो जाते हैं। गुरु ढूंढना नहीं पड़ेगा, ढूंढोगे जीवन भर ढूंढते ही रह जाओगे, आसान नहीं है। यह तन विष की वेलरी, गुरु अमृत की खान और शीश कटाए गुरु मिले तो भी सस्ता जान, तब भी सस्ता सौदा है। असली गुरु भगवान भेजता है, भगवान स्वयं गुरु के रूप में मिलते हैं। लेकिन अगर पूर्व जन्मों के संचित पुण्य नहीं होंगे, इस जन्म में आपके द्वारा साधन नहीं किया जाएगा तो कपटी गुरु मिलेगा, 84 में आपको चक्कर लगवाएगा, खुद भी लगाएगा। भगवान को रो रो के पुकारो, शुद्ध हृदय से अपने अंदर आग पैदा करो, भगवान स्वयं गुरु तत्व के रूप में किसी मनुष्य के रूप में आकर के हाथ पकड़ लेते हैं। तो गुरु की महिमा का बड़ा अच्छा ज्ञान किया है तुलसीदास ने कि सारे तीर्थ धाम, अपने अपने गुरु का ध्यान कर लें 2 मिनट, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। वंदन गुरु पद पद्म परागा, सुरचि सुवास असरस अनुरागा। वंदन गुरु पद पद्म परागा, सुरचि सुवास असरस अनुरागा। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए, हे मेरे संतों की भी बड़ी वंदना है। देखो जीवन में संत मिलता है, बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता, रोना पड़ेगा, भगवान को पुकारना पड़ेगा, शरणागति करनी पड़ेगी, तब संत मिलेंगे माने गुरु मिलेंगे। बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता, और जब तक संत नहीं मिलेंगे तो सत्संगति नहीं होगी, और जब तक सत्संगति नहीं होगी तब तक नित्यानित्य वस्तु विवेक नहीं होगा। बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो संतों की तो बहुत वंदना की, महाराज ये संत ऐसे हैं कि मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। महाराज तीर्थ में तो जाना पड़ता है, और संतों का जो समाज है घूमता फिरता तीर्थ ही है। राम भक्त यहां सुरसज धारा, महाराज तीर्थ में तो गंगा जी बहती हैं, जमुना जी बहती हैं। बोले भक्त जहां रहे वो तीर्थ है, और राम जी की जो भक्ति उनके हृदय में बहती है वही गंगा की धारा समझो, उसी में गोता लगाओ, उसी में गोता लगाने से कल्याण हो जाएगा। तो सत्संग, अच्छा देखो बहुत लोग कहते हैं भाई कथा सुनने से क्या होगा, सत्संग करने से क्या होगा, और समझाया तो इसको वेदांत की भाषा में भी जा सकता है, लेकिन एकदम सरल तरीके से मैं समझाता हूं
कि कथा सुनने का सबसे बड़ा लाभ है कि हमारे चित्त के अंदर तीनों तरह के संस्कार संचित हैं। करोड़ों करोड़ों जोनियों में जो हमने कर्म किए हैं, रजोगुणी कर्म, तमोगुणी कर्म, सतोगुणी कर्म, सारे कर्मों की स्मृति हमारे चित्त में संचित है। मतलब हमारे चित्त में तमोगुणी संस्कार भी हैं, रजोगुणी संस्कार भी हैं, सतोगुणी संस्कार भी हैं। सत्संग से यही लाभ होता है कि सत्संग हमारे चित्त में सोए हुए सतोगुणी संस्कारों को ठोकर देकर के जगा देता है, और जब ठोकर देकर के जगा देता है तो हमारे विचारों में सतोगुण का प्राबल्य हो जाता है। तो बार बार सत्संग करोगे, बार बार चित्त में सोए हुए सतोगुणी संस्कारों को ठोकर लगेगी, तो बार बार वो ऊपर आएंगे, रजोगुण दबेगा, तमोगुण कम होगा, और धीरे धीरे अगर प्रक्रिया जारी रही तो चित्त में सतोगुण का उत्कर्ष हो जाएगा, फिर हृदय में भगवान की भक्ति स्वयं ही प्रकट हो जाएगी। और भगवान की जब भगत प्रकट हो जाएगी तो बड़े प्रेम से नाम जप होने लगेगा, कीर्तन भी होने लगेगा, और नाम से एक दिन नामी पकड़ में आएगा और मुस्कुराता हुआ गोविंद भगवान आपके हृदय में प्रकट हो जाएगा। ये है विज्ञान। नाम की वंदना बहुत की हमारी। एक संत ने अपनी किताब में एक लिखा है, नाम भूल रहा हूं, नाम जप का इतना प्रभाव है हमारा कि 1 करोड़ नाम जो जप कर ले तो शरीर की सारी बीमारियां नष्ट हो जाती हैं, कोई भयंकर से भयंकर बीमारी नहीं रहेगी। अगर श्रद्धा से 1 करोड़ नाम का जप कोई कर ले तो, 2 करोड़ जप कर ले तो ऐश्वर्य में वृद्धि होती है, 3 करोड़ अगर जप कर ले कोई आदमी उसको धोखा नहीं दे सकता, 4 करोड़ नाम जप कर ले भगवत नाम जप, अमित ऐश्वर्य, इतना ऐश्वर्य बढ़ जाएगा कि लोग देखकर चकित रह जाएंगे, और 5 करोड़ अगर कोई भगवत नाम जप कर ले तो मूर्ख भी विद्वान हो जाता है, शास्त्र अपना अर्थ स्वयं खोलने लगते हैं हमारे। 6 करोड़ अगर भगवान नाम जप कर ले तो अंतःकरण के जो विकार हैं, काम क्रोध आदि, इन पर विजय हो जाती है। इसी तरह से आगे आगे बताते हुए कहते हैं कि 11 करोड़ कोई नाम जप कर ले भगवान का, पूर्ण चित्त शुद्धि होती है। 12 करोड़ अगर कोई नाम जप कर ले तो प्रारब्ध जनित दुख भी नष्ट हो जाते हैं, और 13 करोड़ अगर श्रद्धा से कोई भगवान नाम जप कर ले तो सगुण साकार श्री रामचंद्र सीताराम जी का प्रत्यक्ष दर्शन होता है महाराज। ये नाम का महत्व है महाराज, ये नाम का, इसलिए बड़ा ही सुंदर नाम का महत्व उन्होंने गाया महाराज। राम जी ने तो एक गौतम की अहिल्या नारी का उद्धार किया, राम एकता पस्तीय तारी, आ नाम कोटि खलकुमत सुधारी, करोड़ों पापियों का उद्धार कर दिया नाम ने। तुम्हारा अंत में तो उन्होंने कहा कि कहो कहां लगे नाम बड़ा, कहो कहां लगी नाम बड़ाई, रामा हो रामा, कहो कहां लगी नाम बड़ाई, रामा हो रामा, राम न सकहिं राम गुण गाई, रामा हो रामा, राम न सकहिं नाम गुण गाई, रामा हो रामा। एक भक्त ने कहा महाराज ये प्रेम होता नहीं कैसे जपे। तुलसीदास ने कहा देखो कंसेशन है, भाव से नहीं होता है तो खराबे भाव से जप लो भाई, नाम लेने में क्या है, वैसे नहीं होता तो गाली देख के जपो ना, अनख माने बैर से, आलस में भी किसी तरह से जपो, भाय कु भाय अनख आलस हूं, रामा हो रामा, भाय कु भाय अनख आलस हूं, रामा हो रामा, नाम जपत मंगल दिशि दसहुं, रामा हो रामा, नाम जपत मंगल दिशि दसहुं,
रामा हो रामा। भक्त ने कहा महाराज ये भाव कुभाव किसी भाव से होता नहीं महाराज। बोले अगर किसी मुसीबत में विवस्ता में भी नाम ले ले कोई। अच्छा उससे भी हो जाएगा महाराज? क्या हो जाएगा? बोले कि विवस्ता में भी अगर भगवान का नाम कोई ले ले, करोड़ों जन्मों में जो पाप किया है वो पाप भी धुल जाते हैं। अच्छा महाराज ऐसा होता है? बोले कि हाँ विवस हूं जा सुनाम नरक ही, विवस हूं जा सुनाम नरक ही, विवस हूं जा सुनाम नरक ही, रामा हो रामा। जन्म ने कर चित गद है रामा हो रामा, जन्म ने कर चित गद है रामा हो रामा। नाम महिमा वह क्या है? नाम का बड़ा महत्व है और सारे वेदों का शास्त्रों का एक ही है, एक ही मत है, नाम जपो नाम जपो। कथा सुनो, कीर्तन करो, श्रवण करो, भगवान का ध्यान करो, मनन करो और नाम जपो, बस इससे ज्यादा सरल साधन और कोई दूसरा नहीं। मेरे मानसरोवर में चार घाट, मानस सरोवर में चार घाटों की चर्चा वक्ता लोग करते हैं। चार घाट हैं मानस रूपी सरोवर में, चार घाट। एक है दैन्य घाट या शरणागति घाट, जहां तुलसीदास जी अपने मन को कथा सुना रहे। एक है ज्ञान घाट, जहां शिव जी पार्वती जी को कथा सुना रहे हैं कैलाश में मार। एक है उपासना घाट, जहां काकभूषुंडी जी गरुण जी को कथा सुना रहे हैं नीलगिरी पर्वत पर मार। एक है कर्म घाट, जहां जागवल्क्य जी भरद्वाज जी को प्रयाग में कथा सुना रहे हैं महाराज। और कर्म घाट से ही कथा की शुरुआत होगी कल प्रारंभ। तुलसीदास जी ने कर्म घाट से कथा की प्रारंभ। गरुड़ मोह हुआ एक बार गरुण जी को, तो नारद के पास पहुंचे, बाबा हमको तो मोह हो गया। अब गरुण जी को मोह हुआ था, महाराज वरुण पास से भगवान को बांध करके छुड़ाए थे, तो उनको लगा कि ये भगवान है तो ये कैसे बंध गए। नारद जी कहां गए? नारद जी हंसे, भाई तुमको भी पकड़ लिया, हमें फुर्सत नहीं है, पिताजी के पास जाओ, ब्रह्मा जी के पास। तो ब्रह्मा जी के पास गए, कहे कि महाराज हमको मोह हो गया, बताइए भगवान में। भगवान में ही असंता हो गई, ये भगवान है कि नहीं है। ब्रह्मा जी बोले हे भगवान, बोले कि हमको भी बहुत बार इसने नचाया भगवान की माया ने, तुमको भी हो गया। अरे जय बहु बार नचावा मोही रामा हो रामा, जय बहु बार नचावा मोही रामा हो रामा, जय बहु बार नचावा मोही, सोई व्यापे विहंग पति तो ही रामा हो रामा, सोई व्यापे विहंग पति तो ही रामा हो रामा। वर्मा जी बोले अभी हमारे पास समय नहीं है, शिव जी के पास जाओ। शिव जी ने कहा भैया देखो मैं तो घूमते फिरते रहता हूं, अभी तो मुझे समय नहीं है, आप काकभूषुंडी जी के यहां जाइए। तो काकभूषुंडी जी के यहां गए, काकभूषुंडी जी के यहां गए तो देखिए क्या, संक्षेप में पांच मिनट में समाप्त करता हूं। सुनहु तात जेहि कारण आयऊं, सुनहु तात जेहि कारण आयऊं, सो तव भयउ दास तव पायऊं, सो तव भयउ दास तव पायऊं, देखि परम पावन तव आश्रम, देखि परम पावन तव आश्रम,
देखी पवन पावन तव आसम गय मोह संशय नाना ब्रह्म गयो मोह संशय नाना ब्रह्म गयो मोह संशय नाना ब्रह्म केवल गाग भुसुंडी जी के आश्रम में पहुंचे और आश्रम का ऐसा दिव्य प्रभाव हुआ कि जाते ही कथा सुनने के पहले ही गरुण जी का मोह खत्म हो गया। माता तो राम जी की कथा का ये लाभ है। राम कथा सुंदर करता हरि राम कथा सुंदर करता हरि संशय बिहग उड़ावन हरि संशय बिहग उड़ावन हरि राम कथा संशय बिहग उड़ावन हरि संशय बिहग उड़ावन हरि राम कथा सुंदर करता हरि राम कथा सुंदर। भगवान की कथा सुनने का ये फल होता है, जितना संशय है भ्रम है वो दूर हो जाता है। तो कथा का महत्व गाया गया है। आज जय जय सिया रघुराई जयती जय तुलसी ने गाई जय सिया रघुराई जयती जय तुलसी गोसाई जय सिया रघुराई जयती जय तुलसी गोसाई जय सिया रघुराई जयती जय तुलसी गोसाई तुलसी गोसाई हाँ तुलसी गोसाई तुलसी गोसाई हाँ तुलसी गोसाई जय सिया रघुराई जयती जय तुलसी गोसाई जय सिया रघुराई जयती जय तुलसी गोसाई आगम निगम पुराण निचोड़े आगम निगम पुराण निचोड़े आगम निगम पुराण निचोड़े आगम निगम पुराण निचोड़े अद्भुत करी कविताई जयती जय तुलसी गोसाई अद्भुत करी कविताई जयती जय तुलसी गोसाई अद्भुत करी कविताई जयती जय तुलसी गोसाई जय सिया रघुराई जयती जय तुलसी गोसाई सत्यम शिवम सुंदरम लिखी के 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 तुझने मुहर लगाई जयती जय तुलसी गोसाई तुझने मुहर लगाई जयती जय तुलसी गोसाई सिया रघुराई जयती जय तुलसी गोसाई जय सिया रघुराई जयती जय तुलसी गोसाई जय सिया रघुराई जयती जय तुलसी गोसाई जय सिया रघुराई जयती जय बोलिए राजा रामचंद्र की जय। कई कारण से कथा में थोड़ा विक्षेप है व्यवधान है फिर भी सब भगवान का मतलब उन्हीं की लीला से सब होता है। हम लोगों का बहुत सौभाग्य है कि हम लोगों के बीच में ये कथा
लाइव हो रही, ये नहीं कि यही हजारों लोग बैठकर सुन रहे हैं, पूरे देश भर में इसको कथा को देश के बाहर भी लोग देख रहे हैं, ये टीवी पर लाइव हो रही है कथा, सुभारती टीवी पर, और मेरे फेसबुक पर भी लाइव हो रही है, और मेरे यूट्यूब पर भी लाइव हो रही है। अब मेरी कथा मैं यहीं अपने वाणी को विश्राम देता हूं, फेसबुक और यूट्यूब से मेरा लाइव अब बंद हो जाएगा, और ये टीवी का लाइव चालू रहेगा। और हमारे महाराज जी पंडित अग्निवेश जी जो फिजी से आए हैं, आप देखिए विदेश में रहने वाले और मूलतः फिजी के हैं, ये नहीं कि यहां से जाके बसे हैं, और हिंदी भाषा में आपको राम कथा सुनाएंगे, आपको बड़ा आनंद आएगा कि हमारे राम जी केवल राम जी का वहां झंडा लहरा ही नहीं रहा है, बल्कि धर्म की ध्वजा, सनातन की ध्वजा पूरे आसमान में फिजी में फहरा रही है, और महाराज जी के नेतृत्व में पूरे फिजी में राम कथा वहां के राष्ट्रीय कथावाचक हैं। तो हम लोग भी जरा सुनेंगे, इसलिए मैंने अपनी कथा बीच में बंद कर दी, अभी डेढ़ घंटा महाराज जी टीवी पर टाइम है, तो हम लोग आपकी राम कथा आप सुनेंगे और देखेंगे दूसरे देशों में हमारे राम जी की कथा, उनकी लीला कैसे आप लोग आते हैं, आपसे कुछ सीखेंगे। बोले पंडित अग्निवेश जी महाराज की, व्यास जी महाराज की, बोले राजा रामचंद्र की। श्रीमान गुप्तेश्वर पांडे जी महाराज के द्वारा माल्यार्पण किया जा रहा है, एक जोरदार ताली से आगाजेंगे, और साथ ही हमारे उनको